हातिम भाई ठीक नहीं कर रहे यार। हासिम, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ फहम भाई के खातिर कर रहा हूँ। उन्होंने हम सबके लिए इतना सब कुछ किया है कि हम सिर्फ शमीला को खुश नहीं रख सकते क्या? लेकिन कल तुम्हारा निकाह है, तुम्हें पता तो चल गया होगा। अब तुम बता दो कि क्या करना है, क्या प्लान है तुम्हारा, किसे बुलाना है किसे नहीं। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा बस। मैं जानता हूँ अम्मी जान कि आप खुश नहीं हैं इस फैसले से। बस आतिम, अब तुम फैसला कर चुके हो ना, तो अपने फैसले पर कायम रहो। बस इसी में सबकी खुशी है। अल्लाह ने माँ को दिल तो एक दिया है, लेकिन उस एक दिल में अपनी सारी औलादों की फिक्रें और परेशानियाँ डाल दी। मेरा दिल अपने फहम के लिए हर वक्त रोता रहता है, लेकिन मैं तुम लोगों को रोते नहीं देख सकती। तुम सबकी खुशी में खुश हूँ मैं। अल्लाहु अकबर। जो मैल है तेरे दिल में वो माफ कर देगा। ये नहीं हो सकता। देखा मेरी प्यारी सी अम्मी जी ने मुझे पहना, ये अच्छा लग रहा हूँ। क्या हुआ? फाम भाई की याद आ गई। इतना खूबसूरत शहजादा लग रहा था मेरा भाई। बेटा तैयार होके नीचे आ जाओ और हातिम बेटा को अब सेराबंदी में अपने हाथों से ये हार इतने प्यार से पहनाओ कि उनका सारा गुस्सा, सारी नाराजगी खत्म हो जाए, सारे गिले शिकवे मिट जाए। बहुत परेशान हूँ मैं सुबह से, कब का घर से निकला हुआ है, कोई पता ही नहीं है कहाँ है। पापा आपने से फ़ोन किया था? कब से कर रही हूँ, पहले बेल बजती रही और अब फ़ोन ही बंद है। अल्लाह खैर करे। मैं तो कहती हूँ हालात जिस तरफ जा रहे हैं हमें फौरन इस मसले का कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। बस क्या कर सकते हैं, चीज़ें जब उलझती हैं ना तो फिर वक्त आने पर खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इंसान को भी तो अपना किरदार अदा करना पड़ता है ना। अब मैं और क्या करूं, सब कुछ तो करके देख लिया। और वो जीशान, वो तो रिदा से माफ़ी भी मांग चुका है, लेकिन वो तो जीशान कहाँ थे बेटा? मैं इतनी परेशान हो रही थी, तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे। जीशान ईशान की जहनी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें फौरन से किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी।
एहसास से गुनाह उसके दिल में बैठ गया है, गिल्ट उसे चैन नहीं लेने दे रहा। दुआ करो समरा मेरा बच्चा संभल जाए, दुआ करो। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं पानी लाती हूँ आपके।